हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर नाइनटीन ऑफ जनवरी 2022 19 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स उसमें शर्माने का नहीं है ना वन पर्सन वन लाइक ठीक है स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले सवालों के साथ जो कि प्रिलिम्स के लिए आपके इंपोर्टेंट रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूज आइटम्स और मैप में आज हम देखेंगे यमन का मैप मैं आपको बताऊंगा क्यों हम देखेंगे यमन का मैप तो आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो बट लेट स्टार्ट विद द प्रम्स क्वेश्चन फर्स्ट पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के देख लेते हैं पहला सवाल है हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बाई वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर नेटिव ओपिनियन इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कि नेटिव ओपिनियन नाम का बाई वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया ऑप्शन विश्वनाथ नारायण मांडलिक बी इज महात्मा गांधी थर्ड इज बाल गंगाधर तिलक फोर्थ इज और घोष तो आपको बताना है इनमें से किसने स्टार्ट किया था बाई वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर नेटिव ओपिनियन ठीक है ना सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैस्ड इनमें से कौन सा करेक्टली मैस्ड है फर्स्ट इज धर्म सभा बाय रा, राजा राधाकांत देव सेकेंड इज तत्व बोधनी सभा रविंद्रनाथ टैगोर थर्ड इज धर्मो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय राजा राममोहन रॉय तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैस्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच ठीक है ना वन ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या एंड थ्री क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताना है कौ, कौन सा गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय हाजी शरियत सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज एमड एट द इराडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशन और अन इस्लामिक प्रैक्टिस करेंटली अमंग द मुस्लिम्स तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इज इनकरेक्ट ठीक है ना दीज आर द्री क्वेश्चन आई होप यू विल ट्राई टू आंसर मैं आंसर आपको बता देता हूं लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा ठीक है न यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल तो इसका जो पहला सवाल मैंने पूछा था कि बाई वीकली न्यूज पेपर बाय वीकली इंग्लिश न्यूज पेपर नेटिव ओपिनियन इसका तो आंसर है विश्वनाथ नारायण मांडलिक ए विल बी दी आंसर फॉर दैट सेकंड सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैस्ड है तो इसमें से केवल ए यानी केवल फर्स्ट वन धर्म सभा राजा राधाकांत देव ये करेक्टली मैस्ड है तत्वबोधिनी सभा भी गलत है और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी गलत है अब आपके लिए सवाल मैं ये छोड़ता हूँ कि ये दोनों बनाए किसने थे मतलब तत्व सभा के फाउंडर कौन थे और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और ए विल बी दी आंसर वन ओनली क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने पूछा था फराइजी मूवमेंट की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब कि इनकरेक्ट कौन सा है न कोई गलत नहीं है दोनों ही करेक्ट है इसलिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा क्योंकि फराइजी मूवमेंट का जो फाउंडर थे वो हाजी शरीय ही थे और फराइजी मूवमेंट वाज फॉर द इराडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशन और अन इस्लामिक प्रैक्टिस अमंग द मुस्लिम्स ठीक है ना और थोड़ा सा मैं आपको विश्वनाथ नारायण मांडलिक के बारे में बता दू विश्वनाथ नारायण मांडलिक एक एमिनेंट बॉम्बे सिटीजन थे वॉज अ लॉयर ऑथर एंड अ लीगल एक्सपर्ट ऑन द हिंदू लॉ ही वॉज दो अ कंजर्वेटिव पर्सन लेकिन काफी उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन्स में चेंजेस के लिए भी उन्होंने रिफॉर्म्स uh, के लिए भी कोशिश की जैसे ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड वेरियस इंग्लिश क्लासिकल्स एंड लॉ बुक्स इन टू मराठी कई सारी जो इंग्लिश क्लासिकल या लॉ बुक्स हैं उनको मराठी में कन्वर्ट भी किया एंड ही ऑल्सो रोट सेवरल वर्कस ऑन हिंदू लॉ इन इंग्लिश इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ यज्ञ वर्क स्मृति तो यश्वल्क स्मृति हो गई आपकी मनुस्मृति हो गई इनका भी ट्रांसलेशन उन्होंने किया अलग अलग इंग्लिश भाषा में भी किया है ना और नीलकंठ की व्यवहार मयूख इसका भी ट्रांसलेशन किया तो दीज आर सम ऑफ द ऑफ विश्वनाथ नारायण मांडलिक आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग हिम और फराइजी मूवमेंट मैंने आपको तो बता दिया हाजी शरीय अठारह में यह मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ था दिस वॉज बेसिकली फॉर मुस्लिम्स ऑफ बंगाल टू गिव अप द अन इस्लामिक प्रैक्टिस एंड एक्ट अपॉन देर ड्यूटीज एज मुस्लिम ना तो दिस इज वॉट द फराइजी मूवमेंट वॉस अठारह सो उन्नीस की डेट भी याद रखेगा फराइजी मूवमेंट भी याद रखेगा ठीक है ना सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपोर्टेंट ठीक है ना अब आपके लिए आज जो मैंने सवाल लाया मेंस के लिए वो थोड़ा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन आपके लिए बताने कि रिसेंटली वी लर्न अबाउट मेनी विद्रोह लाइक पैका विद्रोह एक्सेट्रा हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे विद्रोहों के बारे में जाना जैसे कि पैका विद्रोह एंड ऑल इन द लाइट ऑफ दीज इवेंट्स कैन यू से दैट एटीन फिफ्टी सेवन वॉज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको बताने कि क्या इन ला, इस लाइट में मतलब कि जैसे हम पैका विद्रोह के बारे में हमने देखा फिर हमने अरुणाचल प्रदेश का भी अभी हमने देखा था है ना अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल जो आ, वो हुए थे तो इनके लाइट में क्या आपको बताना कि क्या हम कह सकते हैं कि 1857 जो था इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो अंडर द लाइट ऑफ दीज इवेंट्स यू हैव टू टेल दिस कि वेदर एटीन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो ठीक है आगे मूव करते हैं थोड़ा न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स देखते हैं जो कि न्यूज में थी तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है मास एक्सटिंक्शन के रिगार्डिंग तो आप सबको पता होना चाहिए कि अभी जो करेंटली फेस चल रहा है ना वो सिक्स मास मास एक्सटिंक्शन का चल रहा है ठीक है ना और इस बार का जो अभी रिपोर्ट आई है कि जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन है इट इज इंटायरली कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज एंथ्रोपोसिन बोलते हैं इसीलिए इसको क्यों बोलते हैं बिकॉज इवेंट्स आर बाई ह्यूम एक्टिविटी में वेन स्पीशीजर रेट रिप्लेस के वैनिश मतलब होने का डिस्ट्रॉय होने का रेट उनके रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो और बहुत ही कम टाइम टाइम फ्रेम में बहुत ही कम टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ़ जब कहना चाहिए कि कि हो जाए, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में लगभग दो टू पॉइंट एट मिलियन ईयर्स के कम टाइम में भी 75 जब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं मास सेवेंटी 75 परसेंट से ज्यादा लिए, लिए तो बहुत ही कम छोटा टाइम पीरियड होता है तो जब बहुत ही कम टाइम पीरियड में आप इतनी स्पीशीज को लूज करते हो उसको मास एक्सटेंशन बोलते हैं अर्थ करेंटली पांच मास एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुके हैं अर्थ में जो है पांच मास एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुके हैं अब ये जो फेज है दिस फेज आर दिस फेज इज द कंप्लीट एंथ्रोपोजेनिक फेज ठीक है ना तो ये आपको पता होना चाहिए दिस फेज इज कंप्लीटली द एंथ्रोपोजेनिक फेज मतलब कि पूरी जो इसमें इस बार जो लॉस हो रहा है जो स्पीशीज लॉस हो रहा है वो पूरा का पूरा किसके कारण हो रहा है वो हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ठीक है ना ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है दैट इज द थिंग दिच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब आपके लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो चलो ठीक है तो पहले के पांच एक्सटेंशन कौन से थे है ना जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिक्स एक्सटिंक्शन है मास एक्सटिंक्शन है तो पहले मैं आपको पांच मास एक्सटिंक्शन के नाम बता दूं आप उनको लिख लीजिए पहला जो हुआ था वो ऑर्डोविशियन सिलूरियन एक्सटिंक्शन कहलाता है ऑर्डो ऑर्डोविशियन लिख लो इस चीज को ऑर्डोविशियन सिलूरियन ठीक है ना ऑर्डोविशियन सिल्यक्सटेंशन जो था वो 440 मिलियन हुआ था 440 मिलियन ईयर गो ठीक है पहला क्या है ऑर्डोविशियन सिलूरियन मास एक्सटेंशन ये कब हुआ था 440 मिलियन ईयर गो दूसरा हुआ था डेवोनियन 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 मास एक्सटेंशन ये हुआ था थ्री मिलियन ईयर सो ये कब हुआ था 365 मिलियन ईयर से हुआ था तीसरा था परमियम परमियन ट्र, ट्रायसिक ठीक है ना लेट मी टेल यू दर्ड वन ऑल्सो पहला मैंने क्या था ऑर्डोविशियन दूसरा मैंने आपको बताया डेवोनियन तीसरा है परमियन ट्रायसिक पर पीई आर -E परमियन परमियन ट्रायसिक ट्रायसिक ठीक है ना परमियन ट्रायसिक ये हुआ था 250 मिलियन ईयर्स एगो ये कब हुआ था 250 मिलियन ईयर्स एगो इसके बाद जो हुआ वो आया ट्रायसिक जूरासिक इसके बाद कौन सा आया ट्रायसिक 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 ठीक है ना और इसके बाद कौन सा आया क्रिटेशियस टर्शियरी लास्ट जो आया था जो लास्ट वाला आया था ये ट्रायसिक जुरासिक का याद रखिएगा टू हंड्रेड एंड टेन मिलियन और फिर आया क्रेटेशियस टर्शियरी जो, जो लास्ट मास एक्सटिंक्शन था वो था क्रेटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन क्रेटेशियस लेट मी राइट दैट डाउन आल्सो फॉर यू यहां क्रेटेशियस क्रेटेशियस टेरशियरी ठीक है ना

टेक्निकल टेक्सटाइल्स के केस में इंडिया की पोजीशन को एज अ ग्लोबल लीडर लाने के लिए इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में इंडिया ने नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ठीक है ना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अब इसका जो इंप्लीमेंटेशन पीरियड है वो दो हजार से लेकर के दो हजार का पीरियड है टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड का पीरियड रहेगा ठीक है ना चार कंपोनेंट है इस मिशन के अंतर्गत पहला है रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट मतलब कि आपको सबसे पहले टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में रिसर्च करना इनोवेट करना है है ना और अलग अलग फॉर्म ऑफ फाइबर्स को स्पेशल स्पेशलिटी फाइबर्स जिसमें कि कार्बन नाइलॉन 66 ग्लास अरामेड इन सबको स्टडी करना है कि आपको किस तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल्स को यूज करना है कैसे बनाना है ये सारी चीजें देखने के लिए ठीक है ना फिर आपको दूसरा चीज देखना है प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट पहला रिसर्च कर लिया आपने फिर आपको प्रमोट भी करना है और मार्केट डेवलपमेंट आपको करना है तभी भाई आपको लीडर बनना है ग्लोबल लीडर तो सबसे पहले तो आपको इंडिया में अच्छा करना पड़ेगा फिर आपको ग्लोबली उसको एक्सपेंड एक्सटेंड uh, करना पड़ेगा तो यू हैव टू बिकम यू हैव टू प्रमोट एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑल्सो तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन देन यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट को आपको टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फील्ड में बढ़ाना है बाय ट्वेंटी थ्रू फोकस्ड अटेंशन ऑन द हाइएस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट्स ठीक है ना तो आपको फोकस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है एंड लास्ट है एजुकेशन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट आपको रोबस्ट ह्यूमन रिसोर्स बनाना है जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में काफी स्किल्ड रहे डेवलप्ड रहे ये सारी चीजें भी आपको देखनी है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट थोड़ा सा मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं यहाँ पे लेट मी शो यू द फील्ड्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स की अगर फील्ड देखें तो उसमें अलग अलग फील्ड के टेक्निकल टेक्सटाइल है जैसे कि इंडू टेक जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है मोबाइल में यूज होता है मेडिकल में यूज होता है प्रोटेक हो गया और आपका बिल्ड टेक यानी बिल्डिंग सेक्टर में जियो टेक जियोग्रफी और जियोलॉजी वाले जो पहनते हैं अलग से एग्रोटेक यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया ओइकोटेक ओइकोटेक आई थिंक प्लांट्स एंड इन सबसे ट्रीज इन सबसे रिलेटेड हो गया देन पैक टेक हो गया स्पोर्ट टेक हो गया क्लॉथ टेक हो गया होम टेक हो गया अलग अलग फील्ड में ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स आप देख सकते हैं जो कि आ रहे हैं है ना इसमें बहुत सारे मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जैसे नीचे देखो लिखा हुआ है कई प्रॉपर्टीज होती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जैसे कि आप देखिए एंटी रेजिस्टेंट कई कई टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं जैसे मेडिकल वाला जो होगा वो एंटी वाला पहन रहा होगा एंटी स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी और करंट वाले फील्ड में काम कर रहे होंगे वो एंटी स्टैटिक

जापान में एक्चुअली में पहले मिलिट्री जो थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और 1868 तक वही चला जिसको हम टोकुगावा तो, तो, शोगुनेट बोलते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट टोकुगावा शोगुनेट बोलते हैं 1868 तक यही थी वहां पे जिसको हम क्या बोलते हैं ये मिलिट्री गवर्नमेंट थी तो ये 1868 में बेसिकली 1867 वाले पीरियड में इसका एंड हुआ एडो जिसको हम टोकुगावा पीरियड का एंड बोलते हैं वो हुआ और यहां पे जो कंट्रोल आया वो डायरेक्ट इंपीरियल रूल के अंदर आया जिसमें मुत्सु इतो मुत्सु हिटो एंपेरर एम्पर मीजी जिसको हम बोलते हैं मुट्सू हिटो ही वॉज द एम्पर मीजी और इनके कंट्रोल में फिर दोबारा से जापान की जो बागडोर है वो आई ठीक है ना तो याद रखेगा जो टोकुगावा यानी कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी 1867 में उसका एंड होता है और वहां पे 1868 में रिस्टोरेशन होता है किसका जो वहां पे मुत्सु यानी कि द एम्पर मीजी उसका यहाँ पे uh, दोबारा से वर्चस्व आता है दैट इज नोन एज दीरियड ऑफ बेसिकली मीजी रिस्टोरेशन इसको हम क्या बोलते हैं मीजी रिस्टोरेशन एक्चुअली इट ब्रॉड अलॉन्ग विद मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाजेशन ऑफ दंट्री तो इसी पीरियड में फिर कहना चाहिए जपानीज स्टार्टेड इन दिस पीरियड होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा मुस्ुहिटो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अगला जो न्यूज है देखो वो है क्या अगली न्यूज है नो वन डाइड ऑफ हंगर इन द रीसेंट टाइम तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भैया कोई भी व्यक्ति अभी हंगर के कारण नहीं मर रहा है दिस इज द सेंटर स्टोर्ड तो तो अब अब ये न्यूज ठीक तो है आपको बता दी मैंने अब इसके साथ थोड़ा सा मैं आपके लिए ले लेकर आया हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी क्योंकि हंगर से कोई अगर मरा नहीं है तो फिर हमारी रैंक क्यों पिछड़ती जा रही है दैट इज द बिग क्वेश्चन तो यहां पर इंडिया की रैंक जो थी दो के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो एक थी हंड्रेड मतलब वो 101 थी सॉरी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज मतलब 116 कंट्रीज में 101 हमारी रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अवर रैंकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाज 101 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज नाउ दिस वाज अ डिटोरिएटेड परफॉर्मेंस बिकॉज इन 2020 2020 में अवर रैंक वॉज नाइन्टी 94 रैंक से हम 101 में आ गए और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई हंगर से मरा नहीं इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दू ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है इट इज पब्लिश कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेस्ट हंगर लाइफ एंड इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन टू थाउजेंड में पहली बार आई थी और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ उसको निकालते हैं और बेसिकली इसमें चार अलग अलग इंडिकेटर्स को देखा जाता है एक होता है अंडर नरिशमेंट द फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट सेकेंड इज चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि जो लो वेट फॉर हाइट होता है एंड चाइल्ड इज द थर्ड वन यानी कि लो हाइट फॉर एज होता है और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ अंडर फाइव चिल्ड्रन ये सारा अंडर फाइव ही देखा जाता है ठीक है ना तो ये चार पैरामीटर्स है जिनके बेसिस में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अगली जो न्यूज है वह राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि टेब्लो जो सिलेक्शन होता है फॉर द रिपब्लिक डे वो बिल्कुल फेयर हुआ है उसमें कोई गलती नहीं है तो ये क्यों कहा टेबलो आपने दिया, गलत किया आपने। तो अब डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि देखो बहुत ही फेयर सिलेक्शन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं है ना तो यहां पे राजनाथ सिंह ने यह कहा थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बताता हूं देखो सबसे पहले रिपब्लिक डे परेड को मैनेज कौन करता है तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर

फिर वो ये बोलते हैं कि जो दो स्टेट्स या यूटीज हैं दे कैन नॉट हैव हैर टेबलोज सिमिलर टेबलोज है ना तो थोड़ा स्टेट्स भी आपस में डिस्कस कर लें लेन टेबलोज नॉट हैव एनी राइटिंग और यूज ऑफ ऑफ एक्सेप्ट फॉर द नेम द स्टेट यूटी डिपार्टमेंट दैट शुड बी रिटर्न इन हिंदी और द फॉन्ट इंग्लिश ऑन द बैक एंड रीजनल लैंग्वेज ऑन द साइड तो यहां पर इन्होंने कहा कि मतलब ये भी बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री कि आप और कोई लोगो या अपना गवर्नमेंट का प्रमोशन नहीं करोगे आप केवल और केवल अपने स्टेट यूटी या डिपार्टमेंट का नाम

इन सब उससे रहते हैं तो इसका प्रोसेस में बहुत स्टेप्स हैं जैसे पहला स्टेप है कि स्टेट्स अपने स्केचेस को सबमिट करेंगे देयर विल बी सबमिशन ऑफ स्केचेस स्केच पहले सबमिट होता है स्केच कलरफुल होना चाहिए लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है दूसरा म्यूजिकल और म्यूजिक और विजुअल्स अगर हैं तो उसमें फिर तीन मिनट का कम से कम आपको एक क्लिपिंग एक प्रपोज वीडियो क्लिपिंग आपको डालनी पड़ेगी है ना थ्री मॉडल्स फिर अप्रूव किए जाते हैं कि कौन कौन से थ्री मॉडल्स होंगे ठीक है ना इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री हर पार्टिसिपेंट को एक ट्रैक

होनी चाहिए आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यही डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भैया हमने को एक उसमें सेलेक्ट नहीं किया जैसे तमिलनाडु को उन्होंने कहा कि आप तीन स्टेप तक सेलेक्ट हो गए थे चौथे स्टेप में आप फेल हो गए तो ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने तमिलनाडु को बताया भी है प्रॉपर तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द एंड ऑल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था कि क्या कहलाती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्योंकि न्यूज में थी न्यूज इंपॉर्टेंट भले ना हो लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फील्ड विद इन द सर्विस इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है सर्विस सेक्टर के अंदर आता है इसके अंदर लॉजिंग फूड एंड ड्रिंक सर्विसेज इवेंट प्लानिंग थीम पार्क ट्रेवल एंड टूरिज्म होटल टूरिज्म एजेंसीज रेस्टोरेंट्स बार ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी आ गई इसमें आपका लॉजिंग आ गया फूड एंड ड्रिंक सर्विस आ गया इवेंट प्लानिंग आ गया थीम पार्क आ गया ट्रेवल एंड टूरिज्म आ गया ठीक है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज वेल आपको ये समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है यू कैन मूव अहेड विद मी आप मेरे साथ यहाँ पे मूव कर सकते कोई ऐसा नहीं है ना यहाँ पे आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बैंस हंड्रेड ईयर ओल्ड चिंतामणि मनी पाड्य नाटक याद रखेगा चिंतामनी पद्य जो है इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ना दिस इज हंड्रेड ईयर्स ओल्ड ठीक है ना याद रखेगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दर्टन डाउन ऑन द पॉपुलर चिंता पद्य नाटकम विच हैज इंथल्ड पीपल फॉर मोर देन हंड्रेड इय ठीक है ना नॉ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द स्टेजिंग ऑफ द प्ले यहां पे देखो यहां लिखा है बैन द स्टेजिंग ऑफ द प्ले वॉज इन रिस्पॉन्स टू द रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑब्जेक्टिंग टू द डायलॉग एंड पोर्ट्रेल ऑफ द कैरेक्टर इन द नोटेड प्ले प्ले ये है और इसमें कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इस प्ले के अगेंस्ट कहा था कि भाई ये जो जो प्ले है ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जाता दिस प्ले हैज बीन बैंड नाउ और ये जो नाटक है इसको लिखा किसने था तो इसको कल्लाकुरी नारायण राव ने नाइनटीन में लिखा था कल्लाकुरी नारायण राव

आगे मूव करते हैं देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एंटी एंटाइ डेवलपमेंट तो यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि हाई स्पीड प्रोजेक्ट है हाई रेलवे का प्रोजेक्ट है जो कि केरला गवर्नमेंट लेकर के आ रही केरला गवर्नमेंट का रेलवे प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेलवे बोलते हैं ना तो केरला गवर्नमेंट का हाई स्पीड प्रोजेक्ट है ये और दिस इज बेसिकली इन जो ऑथर ने कहा है वो कहा है कि बेसिकली इट इज एंटी डेवलपमेंट इट इज इकोलॉजिकल थ्रेट और इट विल एंड अप एज अ वाइल्ट एलिफेंट जो टर्म यूज किया है यहाँ पे ऑथर ने वो यूज किया है वाइल्ड एलिफेंट रेफरेंस वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है इसको आप यूज करिएगा यूज कर सकते हैं व्हाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत नहीं होती बट अगर आप एक बार ले लो तो डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है व्हाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने वंस यू ओन दैट थिंग देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ दैट थिंग सो व्हाइट एलिफेंट इज समथिंग विच यू डोट नीड बट वंस यू गेट दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ ठीक है ना सो दैट इज द वाइट एलिफेंट एंड दैट इज वाइट इज यूज विद द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ऑफ केरला ना ऑथर क्या बोलते हैं मैं थोड़ा आपको बता दू सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बोला जैसे सबसे पहले ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है एम श्रीधरन का अब एम श्रीधरन कौन है आप सबको पता है क्या एम श्रीधरन है बेसिकली जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था डेली मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन्होंने डेली मेट्रो को लेकर के आए एम श्रीधरन ही मेट्रो मैन ऑफ इंडिया उन्होंने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मना किया hai because he says that this project is an environmental disaster. This project of Kerala, the silver line project of Kerala, is an environmental disaster. This is what has been said by M. Sridharan. Second personality who has opposed this project is Professor Professor Gardigal. You know Gardigil committee, Gadgil is very famous environmentalist, and he has said that this silver line project is against the interest of the people of the state, is uh, a threat to ecology, is it should be banned. जिकल ग्राउंड इकोलॉजिकल ग्राउंड में इसको बैन कर देना चाहिए एंड ये थ्रेट है इकोलॉजी को थ्रेट है वहां के लोगों को दिस इज वॉटेसर गार्डगिलोफेसर गार्डगिलोज ओवरऑल ठीक है अब ऑथर ने यहाँ पर यह भी कहा कि गवर्नमेंट को यह नहीं समझ में आ रहा है

और केरला गवर्नमेंट को भी वही करना चाहिए बहुत कोई अपने ईगो में नहीं लेना चाहिए कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे ना। है ना दे शुड जस्ट बैक ट्रैक अबाउट दिस है ना ठीक है कोई बात नहीं है Uh, इसके बाद यही उन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी इनफैक्ट कई कॉस्ट अभी ऐसी हैं जो कि केरला गवर्नमेंट ने कंसीडर ही नहीं की है दे इवन कंसीडर्ड द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट विल बी पुट अंडर दिस क्योंकि सिर्फ रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक रेलवे एक ट्रेन बना देंगे और एक रेलवे ट्रैक बिछा देंगे कई जगह अंडर पासेज आएंगे कई जगह ओवर पासेज आएंगे कई जगह ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे कई जगह ब्रिजेस हटाने पड़ेंगे बहुत सारी चीजें जो करनी पड़ती है और वह

1948 का कन्वेंशन है नाम क्या है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनो ठीक है ना 1948 का ये ये कन्वेंशन है और याद ये टर्म जो यूज किया था था का जो टर्म है वो आया लेमकिन के द्वारा रफेल लेमकिन ने ये टर्म लेकर के आए थे जीनोसाइड का जो टर्म था वो कौन लेकर के आया था रफेल लेमकिन लेकर के आए थे और ही कैंपेन्ड रिलेंटलेसली फॉर इट एंड ये फाइनली इंटरनेशनल बनी uh, 1946 में 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 क्यूबा, इंडिया, इंडिया इंडिया इन सबने कोई किया था इस को, 96 था इस को को और और बाद एक क्राइम के रूप में इन्होंने में ले करके आए और इंडिया याद रेटिफिकेशन स्टेट ऑफ कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट जीनोसाइट जो है ना उसका इंडिया ने न केवल साइन किया के बल्कि इंडिया ने रेटिफाई भी किया तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1948 में ये हो गया और इफेक्ट में कब आया ये 1951 में फिर ये फाइनली इफेक्ट में आया ये आपको याद रखना है अब इसमें अलग अलग आर्टिकल जैसे जो आर्टिकल वन है दैट इज टू पनिश फॉर द जीनोसाइड फिर इसके बाद आर्टिकल फाइव बोलता है कि इनैक्ट लेजिस्लेशन टू तो गिव इफेक्ट टू तो द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन मतलब आपको फिर एक लेजिस्लेशन भी इनैक्ट करना पड़ता है ठीक है ना और आर्टिकल फिर सिक्स आता है जिसमें बोलते हैं कि पेनल्टीज होनी चाहिए है ना क्रिमिनल कंडक्ट और इन सबके अकॉर्डिंग उसमें फिर आर्टिकल सेवन कहता है कि कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए है ना ये सारी चीजें हैं यह इसमें फाइव फाइव दो बार लिख दिया था फाइव सिक्स सेवन एक्चुअली ये है तीनों है तो पहला क्या आर्टिकल फाइव क्या बोलता है एक लेजिस्लेशन लाओ आर्टिकल सिक्स बोलता है पनिशमेंट

बात करें तो जो रूट है हाउ दी मूवमेंट की इट कैन बी ट्रेस्ड टू मूवमेंट अनदर मूवमेंट आया था एक अनदर ग्रुप बना था जिसको बिलीविंग यूथ बोलते हैं क्या बोलते हैं बिलीविंग यूथ एक जायदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप था जिसको फाउंड किसने किया था हुसैन अल हाउदी ने और उनके पिता बदरअल दिन अल हाउदी ने इसको फाउंड किया था ठीक है ना तो बिलीविंग यूथ नाम का एक मूवमेंट था बिलीविंग यूथ नाम की एक संस्था थी जिसको किसने बनाया था एक जाय, एक जायदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप था ये इसको बनाया था हुसैन अल हाउदी और उसके पिता ने जिसका नाम था बदरअल दीन बदरअल दीन अल हाउदी ने इसको बनाया था नाइनटीन में अब आपको पता होना चाहिए कि दीन जो था ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल जायदी क्लैरिक क्या था ये जायदी क्लैरिक था इन द नदन यमन यमन में था है ना एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द इनानियन मूवमेंट ऑफ 1979 सेवेंटी नाइन एंड द राइज ऑफ हेजबुल्ला इन सदन लेबनॉन लेबनॉन में हेजबुल्ला के राइज से काफी इंस्पायर्ड था और ईरान जो रेवोल्यूशन था ईरानियन रेवोल्यूशन उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था तो बदल्दीन हाउदी और उसके जो उसका जो बेटा था उसने क्या किया बिल्डिंग वास्ट सोशल एंड रिलीजियस नेटवर्क ठीक है ना जो जायदीज थे यमन के उनके अगेंस्ट एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और जायदीज एक्चुअली में यमन में वन थर्ड पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं दे फॉर्म वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है ना अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जायदीज सर तो रहे हैं जायदीज होते कौन है तो एक्चुअली जायदीज आर नेम्ड आफ्टर जायद बिन अली ठीक है जायद बिन अली अब कौन थे जायद बिन अली वाज़ द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ इमाम अली ट मोहम्मद कजिन एंड सन इन लॉ याद रखेगा आपको यह पता होना चाहिए कि जायेदी जो है द्वारा फाउंड हुए थे इमाम अली वॉज द प्रोफेट मोहम्मद कजिन एंड सन इन लॉ ये आपको याद रखना है अब ये इनको ए, रिवर कौन कौन करता है uh, इनको तो ये जो uh, इमाम अली इनको uh, शिया, शिया सुन्नी जायदीस

जो भी कलर हुई है आप लोग देख लीजिएगा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आजकल ऐसे कलरों में बहुत सारी चीज आती है ये बोलते हैं पिंक रेड है ये रेड रेड है ये ड है है ना तो ये अलग अलग कलर्स आते हैं मुझे नहीं पता ये मैं तो सब ये ऐसे कलर जितने भी दिखते हैं उनको रेड ही बोलता हूँ ये जो कलर आपको दिख रहा है रेड वाला ये हाउदी रेवल्स है ना अब ये ये जरूर कोई दूसरा रेड होगा ये कौन सा रेड होगा ये ब्रिक रेड होगा या बोलेगा कोई कि ये स्वेटर रेड है ये जैकेट रेड है ये कोई कलर हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता ये इसको याद रखेगा कि ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना ये आपका

गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ये कुछ मैप था जो आपको मेरे को दिखाना चाहिए दिखाना था आई होप यू गॉट क्लैरिटी ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक uh, तो है लेवेंडोस्कीन यहां द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर है ना बार्सलोश एलेक्सिया अलेक्स, पुटेलस।, पुटेलस को इस बार का बैलेंडोर भी मिला था जो विमेन का बैलेंडोर था ना वो एलेक्सिया को ही मिला था और फीफा बेस्ट मेन्स प्लेयर अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है, ना? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बैलेंडोर नहीं मिल पाया कई

लास्ट यहां पे न्यूज है वो है राइजिंग सी लेवल इंडोनेशिया टू रीलोकेट द कैपिटल अब इंडोनेशिया पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है विच हैज अप्रूव्ड द रीलोकेशन ऑफ इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू अ साइट दैट इज 2000 थाउजेंड किलोमीटर अवे ऑन द जंगल क्लैड बॉर् आईलैंड दैट विल बी नेम्ड एज नुसंतारा तो याद रखेगा जो इंडोनेशिया है वो अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है फ्रॉम जकार्ता टू नुसन तारा दैट इज ऑन द बोर्नियो आइलैंड क्लैड और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनका जो जकार्ता है दैट इज स्लोली सिंकिंग द कैपिटल इज स्लोली सिंकिंग तो आपको याद होना चाहिए एंड जंगल क्लैड आईलैंड ऑफ बोर्नियो यहां पर यह कैपिटल रहेगी जिसका नाम क्या रहेगा नुसन द कैपिटल विल बी नोन एट नुसन तारा तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स आपको इस समय आ गया होगा दैट इज इट फॉर the day also I hope you liked our video please like and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day